फ्रेंड्स, ये है यूरोनिक्स शू कवर डिस्पेंसर, रेगुलर यूज वाली सबसे काम की चीज। गाइस, अभी बारिश का सीजन है और ऐसे में हम घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट पहनकर निकलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है, हमारे शूज के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। हम बारिश से खुद तो बच जाते हैं मगर हमारे शूज गंदे हो जाते हैं। और अगर आप स्कूल या इवन कॉलेज स्टूडेंट हो एंड गंदे शूज लेकर घर आते हो तो मम्मी जी की डांट से आपको कोई बचा पाएगा? नहीं ना। और अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हो तो क्या आप फॉर्मल शूज गंदे करना पसंद करोगे? नहीं ना। तो अब आपको गंदे शूज की या मम्मी जी के डांट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके शूज को गंदा होने से बचाएगा। ये यूरोनिक्स का शू कवर डिस्पेंसर है, आपके शू को डर्ट मिट्टी से बचाने वाला है और ना ही आपको उन्हें धोने की जरूरत है। तो मैं ओपन करता हूँ इस शू कवर डिस्पेंसर के बॉक्स को। तब तक आप करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों और नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करना, ताकि ऐसे ही कूल वीडियोस जैसे ही आते हैं आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए। फ्रेंड्स, ये है शू कवर का डिस्पेंसर बॉक्स। ये एक एल्युमिनियम का केस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजाइन है और बहुत ही ड्यूरेबल है। इसके डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसकी लेंथ, इसका विड्थ और इसका हाइट। ये बिल्कुल एक सूटकेस की तरह है, बस ओपन फ्रॉम वन साइड। इसके साथ आपको प्लास्टिक बैग्स यानी शू के कवर्स मिल जाते हैं, टोटल 100। अगर एक इंसान हर दिन एक भी यूज करे तो टोटल 3 महीने से भी ज्यादा टाइम ये चलेंगी। ये प्लास्टिक कवर्स होते हैं जिसके चारों तरफ क्लिप्स लगी होती है। अभी मैं आपको डिस्पेंसर बॉक्स के मैकेनिज्म में समझाता हूँ। सबसे पहले इसे खोल लेते हैं, वेरी सिंपल, बिल्कुल एक नॉर्मल सूटकेस की जैसे। अब साइड में लगे ये दो पार्ट्स जिसे आप नीचे प्रेस कर सकते हो, प्रेस करते ही इस हुक की वजह से ये नीचे अटक जाते हैं। रिलीज करने के लिए इसके ऊपर का पार्ट आपको प्रेस करना होता है, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये जो स्प्रिंग्स है बड़ी स्ट्रांग है। देन ये अगेन ऊपर आते हैं। एक बार वापस करते हैं दोस्तों। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर चार पिलर्स हैं जिसमें ये होल्स आपको दिख रहे होंगे। इन चारों होल्स में ही आपको उन कवर्स के उन प्लास्टिक हुक्स को अटकाना होता है। कैसे, चलो देखते हैं। एक बार में आप इसमें 50 कवर्स यानी 50 प्लास्टिक के कवर्स लगा सकते हो। मींस इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 कवर्स होल्ड करने की है। ये होने के बाद नीचे प्रेस किए हुए पार्ट को वापस ऊपर रिलीज करके लाना है आराम से। ऐसे हमें लगाने होते हैं प्लास्टिक कवर्स इन दिस डिस्पेंसर। अब इस सेंटर पार्ट को देखते हैं। सो गाइज, ये होता है वो पार्ट जिस पर हमें हमारा पैर रखना होता है। ये प्रेस होता है नीचे की तरफ और प्रेस होने के बाद ये जो पिलर्स है जिसके अंदर हमने प्लास्टिक के बैग्स के हुक्स अटकाए हैं वो भी घूमने लगता है। जस्ट टेक अ क्लोजर लुक, बहुत ही गजब की मैकेनिज्म है। इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज होती है, तो इसका वर्क सिर्फ इतना ही है। तो अभी हम इसे रेडी करते हैं, सूटकेस को बंद करते हैं। इस सूटकेस को दोस्तों आप घर के एंट्रेंस पे, रेस्टोरेंट्स या होटल्स के एग्जिट्स पर, या हाई वैल्यू प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल्स, फूड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, इन जगहों पर यूज कर सकते हो। इससे प्लेसेस हाइजीनिक भी रहती है और घर गंदा भी नहीं होता है, और साथ ही शू भी प्रोटेक्टेड रहता है ना दोस्तों, काफी यूजफुल चीज। अब सिंपली आपको क्या करना है, उस सेंटर पार्ट पर आपको पैर रखना है। तो खाली पैर भी रख सकते हो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो, या फिर आप शू पहनकर भी रख सकते हो। अभी आपको सिर्फ एक प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कवर अपने आप शू पर चढ़ जाता है। अब सेकंड पैर, एंड डन। अब आप बिना टेंशन के कीचड़ या मिट्टी में भी चल सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि ज्यादा पत्थर वाली जगह पर आपको इसे यूज नहीं करना है, क्योंकि पॉलिथीन नीचे से फट जाएगा। ऐसा हो तो आप 2-3 कवर्स एक्स्ट्रा चढ़ा सकते हो। बारिश या इवन रेगुलर बाकी सीजन के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है दोस्तों। इस डिस्पेंसर को यूरोनिक ब्रांड सेल करते हैं और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ड्यूरेबल, वेरी यूजफुल एंड इजी टू ऑपरेट। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें दोस्तों, मैंने यूरोनिक्स की परचेस लिंक दी है और साथ ही आप उन्हें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब दोस्तों ऊपर दिए गए यूरोनिक्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं उनके ऐसे ही कूल प्रोडक्ट्स देखने के लिए। और जाते जाते दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।